हे एवरीवन, तो गाइस फर्स्टली मैं यहाँ ले रही हूँ गुड वाइब्स का फेशियल फेस मिस्ट, जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा फेस मिस्ट है। उसे मैं अच्छे से हाथ से ब्लेंड कर लूँगी स्प्रे करने के बाद, ताकि मेरे फेस में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ मैं ले रही हूँ, जो कि न्यू प्रोडक्ट है, NYB का फेस सीरम। काफ़ी अच्छा सीरम है, आपके फेस को हाइड्रेट करता है, आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है, आपके फेस को पैम्परिंग करता है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है यार, बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। विंटर्स आने वाले हैं, विंटर्स में तो ये सीरम काफ़ी अच्छा है आपके फेस के लिए। देन पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी, फिर अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से अपने फेस पर, ताकि मेरे फेस में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अल्प्स गुडनेस प्लस स्विस लव का सैफ्रन डे क्रीम। ये भी काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर क्रीम है, विंटर्स आने वाले, विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है ये। देख सकते हैं पूरे फेस में मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन नेक्स्ट मैं ले रही हूँ NYB का कंसीलर, इसे अपना एज अ आई प्राइमर यूज़ करूंगी। तो हेलो एवरीवन, फटाफट मेरी इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, कर दो यार। तो यहाँ पे मैंने गाइस, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप यहाँ यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। जैसे कि मैंने इससे पहले अपने आई प्राइमर के अप्लाई करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, नेक्स्ट स्टेप यहाँ मैं ले रही हूँ NYB का कॉम्पैक्ट विथ SPF 40 का। इसको बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है ये। नेक्स्ट मैं आईब्रो को फिल करने के लिए ले रही हूँ NYB की ब्राउन ब्रो पेंसिल। अब आई शेडो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। काफ़ी अच्छा आई शेडो है। यहाँ मैंने पिक किया ट्रांजिशन शेड। मैं नॉर्मल सा आई शेडो अप्लाई करूँगी, क्योंकि स्वाति दी ने भी कुछ इस टाइप का ही आई मेकअप लुक क्रिएट किया है विथ ग्रीन सूट। तो मैंने नेक्स्ट यहाँ पे लिया है ग्रीन शेड, पिक किया है ग्रीन शेड, मैंने पिक किया है जैकलिन हील मॉर्फी पैलेट से। अपने लोअर लैश लाइन पे ड्रॉ किया है, थोड़ी सी ग्रीन शेड पिक किया था मैंने। नेक्स्ट मैं आईलाइनर के लिए ले रही हूँ NYB का लिक्विड आईलाइनर। काजल के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYB का कोल ब्लैक काजल। काफ़ी अच्छा काजल है यार। आईलाइनर के बारे में कहूँ तो वाटरप्रूफ नहीं है वो, नॉर्मल आईलाइनर है तो इतना अच्छा भी नहीं है। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ स्टे क्वेकी का फाउंडेशन। पूरे फेस पे मैंने अच्छे से अप्लाई करने के बाद एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ NYB का ही कॉम्पैक्ट। काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, इसलिए मैं मोस्टली इसे ही यूज़ करती हूँ, मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा सूट करता है। देन मैं अपने फेस को कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ किया है डार्लिंग इसाबेला का कॉन्टोर स्टिक। ब्लश के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ कलर क्वींस का द हाईलाइटर ग्लैम ब्रिक। काफ़ी अच्छा हाईलाइटर, ये एज अ हाईलाइटर ब्रश दोनों ही वर्क करता है। देन मैं थोड़ा सा हाईलाइटर अपने नोज, अपर लिप्स और अपने लोअर लिप्स पे हल्का सा अप्लाई किया है। देन लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ लिए वेट एंड वाइल्ड का हॉट रेड शेड, काफ़ी प्यारा शेड है। तो यहाँ नेक्स्ट मैंने यहाँ ग्रीन छोटी सी बिंदी अप्लाई की है और एक जंग इयररिंग्स अप्लाई किए हैं। हेयर इज़ माई फाइनल लुक गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय गाइस, थैंक यू।